महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। यहां BA4 के 4 केस और BA5 के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये जानकारी दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने सभी जिला प्रशासन को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश में जिला प्रशासन से असामान्य मामलों को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। इससे पहले हैदराबाद में इस महीने की शुरुआत में BA4 सब वेरिएंट का पहला केस सामने आया था। यहां साउथ अफ्रीका से लौटे एक यात्री का सैंपल लेने के बाद इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले देश में सब वेरिएंट BA4 और BA5 के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी है ताकि इन सब वेरिएंट के सोर्स का पता लगाया जा सके। इन वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। लेसेंट कमीशन की मेंबर डॉक्टर सुनीला गर्ग के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट संक्रामक है लेकिन घातक नहीं है। अभी हम एंडेमिक की ओर बढ़ रहे हैं और केस आएंगे तो वो इससे घातक नहीं होंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। तेलंगाना और तमिलनाडु में मिले कोरोना के नए वेरिएंट। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम ने भी तमिलनाडु और तेलंगाना में BA4 और BA5 के मामलों की पुष्टि की। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये वेरिएंट पहले से ही देश में व्यापक रूप से फैल चुका है और वायरस के डेल्टा संक्रमण की तुलना में कम गंभीर प्रभाव रहा है। साउथ अफ्रीका में मिला था कोरोना का नया वेरिएंट। बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका में की गई थी। इसके बाद ये वेरिएंट तेजी से ब्रिटेन समेत कई देशों में फैला था। हालांकि ये वेरिएंट अति संक्रामक जरूर है लेकिन पिछले वेरिएंट की तुलना में कम घातक है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।